दोस्तों, आज की कहानी है बहु हंसोरे क्या जो अपने कमरे को ताला लगाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सनिया, तुम अपने कमरे का ताला क्यों लगा कर आई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि घर में सबके होते हुए अपने कमरे में ताला लगाने का कोई औचित्य नहीं? मम्मी पापा को कितना बुरा लग रहा है कि तुम्हें उन पर विश्वास ही नहीं। वह सो रहे क्या? अभी घर चलो और साबी मम्मी को दो। आकर सनिया से चिल्ला कर बोला। सनिया और आकाश, सनिया की बड़ी बहन के बेटे का जन्मदिन पार्टी में आए थे तो सनिया अपने कमरे का ताला लगा कर आ गई। इसी बात को उसकी सास ने खूब नमक मिर्च लगा कर बेटे से शिकायत की। आकाश, तुम सही कह रहे हो, परिवार में सबको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन जब बहू पर पूरा पूरा परिवार विश्वास ना करता हो तब ये बातें ना जाने कहाँ खो जाती हैं। घर में बाकी सब भी तो मुझसे अपने कमरों के ताले लगा कर रखते हैं, तो मुझे ये अधिकार क्यों नहीं? मैं अपने कमरे की चाबी किसी को नहीं दूंगी, सनिया ने आराम से कहा। सनिया की बात सुनकर आकाश बोला, ठीक है तो तुम रहो यहीं पर, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे परिवार का आज तुमने अपमान किया है, जैसी आपकी मर्जी आकाश, लेकिन ये सब मुझे आपके परिवार वालों ने ही सिखाया है और अब आप भी यही गलती कर रहे हो। अगर आज आप यहाँ से जाते हैं तो मुझसे भी उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपके परिवार के किसी फंक्शन में जाऊंगी। सनिया भी कहकर अंदर चली गई। गुस्से में आकाश अपनी कार की तरफ बढ़ चला, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सनिया, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, कहते हुए आकाश पीछे पलटा तो सामने सनिया नहीं उसकी बड़ी बहन पारुल खड़ी थी। आकाश जी, कहाँ जा रहे हैं आप? दीदी, आप दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों? आप देखो, अपने ससुराल वालों को एक साथ लेकर चल रही हो, आज की पार्टी में भी उन्हीं लोगों के हाथ में सारा इंतजाम है। कितना विश्वास करती हो आप उन पर, लेकिन सनिया को मेरे घर वालों पर जरा भी विश्वास नहीं। अब आप भी बताइए कि एक घर में एक ही सत के नीचे रहते हुए अपने कमरे का ताला लगा कर आना अच्छी बात है क्या? सबको कितना अपमानित महसूस हो रहा है वहाँ पर, जैसे वो लोग शोर हो। आकाश के शब्दों से उसका आक्रोश फूट रहा था। आकाश जी, कभी कभार जैसा हम देखते हैं वो सही नहीं होता। आपने ये तो देखा कि मैंने सारे इंतजाम अपने ससुराल वालों पर छोड़े, लेकिन ये नहीं समझे कि उन ससुराल वालों ने मुझे कितना मान दिया होगा जो मैंने उन पर इतना विश्वास किया। लोग बहू पर इल्जाम तो बहुत जल्दी लगा लेते हैं, लेकिन वह ये नहीं देखते कि उन्होंने खुद से बहू पर कितना विश्वास किया है, उसे कितने अधिकार दिए हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, जब भी घर में कोई फंक्शन होता तो कभी भी मुझसे किसी विषय पर सलाह ना ली जाती। काम मेरे हिस्से में होते, लेकिन सारे अधिकार बाकी सबके हाथ में। फिर एक बार मैंने घर में बोल ही दिया, तब नैतिक को मेरी बात महसूस हुई और उन्होंने भी कह दिया कि मुझे भी पता है मुझसे पैसा लेने के लिए सब लोग ना जाने क्या क्या झूठ बोलते हैं। मेरी ही कमाई से घर चल रहा है और मेरी ही पत्नी हमेशा अविश्वास के कट घरे में खड़ी रहती है। आज के बाद पारुल को भी घर में बराबर के अधिकार मिलेंगे, तब जाकर घर में मेरी स्थिति सुधरनी शुरू हुई।
वही अब सनिया के साथ हो रहा है। जब आपकी मम्मी बहन कहीं जाते हैं तो वह अपने कमरे का ताला लगा कर जाते हैं। इसका मतलब सनिया शोर है, किसी को भी सनिया पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब सनिया अपने कमरे का ताला लगा कर आई है तो उस पर अविश्वास का इल्जाम लगा दिया। शोर तो अपने दिल में होता है जिसे दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर आज सनिया ने आपकी बात मान ली तो उसे हमेशा सब लोगों का अविश्वास झेलना पड़ेगा और वह कभी विश्वास का दायरा पार नहीं कर पाएगी। आकाश जी, एक लड़की के माता पिता लड़के वालों पर विश्वास करते हैं, तभी अपनी नाजों से पली बेटी उनको सौंप देते हैं। लेकिन वही ससुराल वाले उस बहू पर इतना भी विश्वास नहीं कर पाते कि वह उस घर में सेन की सांस भी कैसे ले पा रही है। बस दीदी, मैं समझ गया आज के बाद उस घर में सनिया की भावनाओं को कोई आत नहीं करेगा। अगर सबको उससे विश्वास की उम्मीद है तो उन सबको भी उस पर विश्वास करना होगा। कहते हुए आकाश पारुल को लेकर अंदर पार्टी हॉल में गया। आकाश को देखकर सनिया मुस्कुराई। आकाश ने उसके पास आकर उसे सॉरी बोला और उसके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने चला गया। पारुल उन दोनों को एक होता देख खुश थी।